नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों हाल ही में अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने यहां का नाथ ब्रह्म पदावंग ये जो थेरेपी है, थेरेपी सेंटर है, इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। इसके कर्ता धर्ता हेमंत श्रीधर माटोनकर है, उनसे अभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन ये इस थेरेपी के अंतर्गत जो अलग 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 थेरेपीज है उसके हिस्से, उसी के एक पार्ट में आज जो स्पेशल सेशन इन्होंने रखा हुआ है वो है साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी है, इस बारे में छोटे छोटे बच्चों को जो है अलग अलग चीज़ें किस तरह से पहचाननी और आँखों पे पट्टी बांधकर पहचानना वो सिखाया जाता है इनके यहाँ। उसके लिए एकाग्रता की जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि आज के समय में ये जो हालात बदले हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के मन की एकाग्रता जो है वो बदल चुकी है, और ऐसे में एकाग्र नहीं होने की वजह से आज हम छोटी बड़ी चीज़ें भी भूल जाते हैं। लेकिन ये जो थेरेपी है, इस थेरेपी के अंतर्गत ज़्यादा अभी हेमंत भाई बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ। हमारे पास में इनके बच्चे बेटा, बेटा आपका नाम? सर्वेश जी, आप यहाँ कितने टाइम से आ रहे हैं? 15-20 दिन से आ रहे हैं। तो आप किस तरह का आपको महसूस होता है, आप क्या यहाँ एक्टिविटी करते हैं? आग पे पट्टी बांध के सब पहचानता हूँ। आप करके दिखाएंगे अभी कैमरे के सामने? जरा कौन सा पट्टी आप बांधेंगे? ये देखिए, अभी थर्वेश जो है बच्चे का नाम है, ये भी अपने आँख पे पट्टी बांधेंगे और हमें कुछ चीज़ें पहचान के बताएंगे। जैसे ये मैं आपको अभी बता रहा था, सर्वेश जी है, इनके फादर भी हमारे पास साथ यहाँ मौजूद है और ये इनकी छोटी बहन भी है। अभी इनके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, कुछ कार्ड्स मेरे हाथ में है, मैं इनको ये कार्ड्स जो है रेंडमली देता हूँ, ये इनको पहचानेंगे। बेटा ये कार्ड हाथ में लीजिए अपने, ये क्या है पहचाने, ये क्या चित्र है? ब्राउन कलर का है। अच्छा, ब्राउन कलर का है, ओके। चित्र क्या बेटा, आप ही हाथ में लीजिए। आपका क्या नाम है? आर्या। कैमल है, वेरी गुड। ये देखिए, ये कैमल जो है उसका चित्र था, इन्होंने अच्छे से पहचाना है सर्वेश ने। क्या वेरी वेल, ये इन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में वुल है ये पहचाना है, और ये दोनों के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अब कई कार्ड एक सीरियल में जमा के तो नहीं रखे, अंदर से देता हूँ। ये क्या है, ये पहचानिए, ये आप लीजिए। तीन पक्षी है, कौन कौन से इतना पहचान पाएंगे? पांडा है, ये इन्होंने आर्या ने भी बताया, पांडा है, और ये आप देख सकते हैं कि पांडा है। स्पैरो और किंगफिशर है। वेरी वेल, अब ये चित्र तो समझो इनको दिया था, अभी ये मेरे हाथ में कुछ करेंसी नोट है, मैं इनको देता हूँ। बेटा ये कितने का नोट है जरा पहचान के बताइए। अरे आप भी ये बताइए। 100 का नोट है। अच्छा, इसके नंबर आप बता सकते हैं? 50। आपके पास 50 का है, आप नंबर बता सकती हैं? हाँ। बताइए। NEB56696489391। दोनों ही बच्चों ने जो नंबर पहचाने उसमें से ये इन्होंने सिर्फ एक N बोला है 9 की जगह, वो थोड़ा इनका मिस्टेक हुआ था, बाकी दोनों ने एज इट इज नंबर पहचाने। बेटा अभी आपने जो नंबर बोले थे फिर से बोल सकते हो बिना देखे? 566। ये दिखाओ इधर। NEB। वन सेकंड, वन एट अ टाइम। हाँ आप बोलिए। NEB। हाँ। 566। हाँ। 561। वापस एक बार नंबर देख लो बेटा, वापस एक बार नंबर देख लो, दो इनको दो। हाँ। दो एक और बच्ची रुको। आप बोलिए अपना नंबर। आर्या बोलो। हाँ आप बोलिए, नंबर बोलिए आप। आर्या नंबर बोलो। 566। हाँ। 34। हाँ। 9। ओके ठीक है, 493 है, थोड़ा सा 19-20 हुआ, लेकिन फिर भी हाँ अभी बहुत अच्छा है। हाँ जी। 9EB। हाँ। 968। हाँ। 951। वेरी गुड, वेरी वेल। तो ये इस तरह से यहाँ इनके यहाँ थेरेपी, लास्ट सेशन में हमने बताया था जिस तरह से कि कांसे की थाली के ऊपर पैर रख के उस जो हमारे शरीर में तरंग है उसके द्वारा इलाज किया जाता है। उसके अलावा जो अलग अलग पद्धति से एक्यूप्रेशर हुआ या दूसरे कहीं है उसके द्वारा किया जाता है।
अब मैंने आपको ये डेमो दिखाया, इसके बाद में हम बात करते हैं, मुलाकात करते हैं हेमंत माडगांवकर जी से, थोड़ा उनसे जानकारी लेते हैं ये सेशन उस किस तरह से करते हैं उसकी पद्धति अपन देखते हैं। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार। आज जो सेशन है उसकी शॉर्ट में जानकारी। आज नाथ ब्रह्म नेचुरोपैथी में मिड ब्रेन एक्टिवेशन सेशन है या ब्रेन बैलेंसिंग सेशन या त्रिनेत्री है। पुराने ज़माने से बच्चे मतलब जो अपने पूर्वज थे वो सब कुछ दिमाग से करते थे, कहीं भी लिखा पढ़ी नहीं होता था। आज के तारीख में कैलकुलेटर होने के वजह से सब लोग जो है सादा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन भूल चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ साउंड थेरेपी त्रिनेत्री के मदद से आज के बच्चे लोग का IQ बढ़ेगा। अगर वो समझो किसी भी चीज़ की आदत रहेगी, बुरी आदत रहेगी, बुरी आदत छूट जाएगी। और आज के ज़माने में ये लॉकडाउन के वजह से बच्चे जो स्कूल जाना भूल चुके, पढ़ाई लिखाई भूल चुके, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज शामिल है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि इन एक्टिविटीज के लिए बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाता है। ओके, ये बेसिकली फर्स्ट डे जब बच्चा आता है तो फुल डे सेशन रहता है, जहाँ सुबह 8 बजे 8:30 बजे आपके बच्चे को लेके आना है। दोपहर को 3-3:30 बजे तक आपका बच्चा आंखों पे पट्टी बांध के कलर पहचान सकता है, या आप नोट देंगे तो नोट का नंबर पहचान सकता है, कितने की नोट है वो पहचान सकता है, आंखों पे पट्टी बांध के रीडिंग कर सकता है। ये सारी एक्टिविटीज़ फर्स्ट सेशन में बच्चा करता है। इसके बाद एडवांस सेशन है, जो हम लोग लगभग 4 एडवांस सेशन देते हैं। चौथा एडवांस सेशन जो बच्चा कर लेगा, वो घर में अगर एकाध चीज़ गुम हो गई, चाहे सोने की चेन हो, अंगूठी या बंद मोबाइल हो, वो आंखों पे पट्टी बांध के ढूंढ सकता है। यानी कुल 4 सेशन का ये पूरा आपका है। हाँ, ये एडवांस कोर्स पूरा 4 सेशन का है। उसका कॉस्टिंग कितना रहता है, कौन उसके लिए ट्रेनर, कौन है जी? जी, ये साउंड थेरेपी जो नाथ ब्रह्म टीम ने खुद बनाया हुआ है ये साउंड, ये म्यूजिक। और इसके लिए हमारे जो संस्थापक है उत्तम जी पड़ियार और उनके जीजा जी संजोग मेथा जी, ये सांगली से आते हैं ये खास ट्रेनिंग देने के लिए। और ये महीने में एक बार नाथ ब्रह्म नेचुरोपैथी में किया जाता है। और इसका कॉस्टिंग है 7500। मैक्सिमम बच्चे एक सेशन में एक्टिव हो जाते हैं, पर जो स्लो लर्नर रहते हैं मे बी उनको मल्टीपल सेशंस लगेंगे, पर उसका हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। सर, नाथ ब्रह्म नेचुरोपैथी में ऑलरेडी यूनिवर्सल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारे 2 बच्चों ने अपना नाम दर्ज कराया है, जिसमें से एक बच्चे ने 5 किलोमीटर कोल्हापुर सांगली हाईवे पे नॉन स्टॉप विदाउट एनी बैराकेट साइकिल चलाई हुई है, और 4 किलोमीटर तक एक बच्चे ने आंखों पे पट्टी बांध के स्केट्स किया हुआ है। गिनीज, ये किसी भी रिकॉर्ड बुक में नाम आने के लिए जेन्युइनिटी बहुत जरूरी है, तो हमारे पास जेन्युइन केसेस है। मैं नहीं चला सकता, मेरे बच्चों को चलवा सकता हूँ। यस यस, जो बच्चे हमारे पास सीख चुके हैं उनको चलवा सकता हूँ। इसके लिए एज ग्रुप है, एज ग्रुप की हमारी शर्त है 8 साल से लेकर 19 साल के बच्चों को हम ब्रेन बैलेंसिंग या त्रिनेत्री करवा सकते हैं। ठीक है, मैं उसका भी अभी लाइव डेमो करेंगे। श्योर सर। लेकिन अब ये जो पट्टी बांधी, इसमें क्या खास है? सर, पट्टी बांधना मतलब आप सोचिए ना, जो आंखों से देखकर बच्चे फोकस नहीं कर सकते। नहीं सर, पट्टी पारदर्शक नहीं, आप खुद देख सकते हो। इसका एक सिंगल फोल्ड भी रहेगा ना, उसमें से भी आप देख नहीं सकते। हम तो डबल पट्टी यूज कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ये पट्टी सिंगल है, सिंगल में से भी अगर आप ऐसा लगाओगे ना, यू कैन नॉट सी। और ये तो हम डबल लगा के बच्चों को पहनाते, मतलब पिच ब्लैक हो जाता है, उसमें से बच्चे विजिबल देख सकते। कुछ अपने दर्शक या अपने जो कैंडिडेट हैं उनको कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहिए? सर, मैसेज ये दूंगा कि आज के जमाने में जिस प्रकार दूध पीना, साइकिलिंग करना, योगा करना जरूरी है, उसी प्रकार हर एक बच्चे को मिड ब्रेन एक्टिवेशन, त्रिनेत्री, ब्रेन बैलेंसिंग करवाना जरूरी है। आगे डिसीजन आपका है। संजोग मेहता, संजोग सुरेश मेहता। सर, क्या कहेंगे आप जो थेरेपी, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग नाथ ब्रह्म म्यूजिक थेरेपी एंड नेचुरोपैथी सेंटर से आते हैं, सांगली से। क्या ये थेरेपी है और किस तरह से आप बच्चों को ट्रीटमेंट करते हैं? आज जैसे ब्रेन बैलेंसिंग जो है, यस, उसके बारे में ये किस प्रकार से होता है? ये बेसिकली गौतम बुद्ध जी ने डिसाइड किया हुआ साइंस है, जिसमें वेव्स के हिसाब हेल्प से हम लोग ब्रेन का जो पिनल ग्लैंड है, हमारे ब्रेन
आपके या और इस ब्रेन के नीचे, ये एग्जैक्टली इसके नीचे एक पिनर ग्लैंड करके छोटा पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं उसको, उसको हम एक्टिव करते हैं विथ हेल्प ऑफ म्यूजिक। ये पूरा फ्रिक्वेंसी बेस्ड म्यूजिक है, इसमें काफ़ी सारे फ्रिक्वेंसी है जो अभी बैकग्राउंड में बज रही है, वो सब फ्रिक्वेंसी है। इसके क्या फायदे हैं, क्यों करना चाहिए? ये करने से बच्चों की मेमोरी शार्प हो जाती है, जो एक बार आँख बंद करके पढ़ते हैं या सुनते हैं वो कभी भी आप उसको पूछ सकते हैं, यानी उनका जो ये रहता है स्कूल में मगअप करते हैं रट्टा मारते हैं वो बंद हो जाएगा। आपके सेशन तो वसई के अलावा कहाँ कहाँ पर होते हैं और वसई में कितने दिनों में आपका एक बार विजिट होता है? वसई में हम 15 दिन में एक बार करते हैं, इसके अलावा हमारा सांगली में हेडक्वार्टर है मेन ऑफिस, वहाँ पे हम हर हफ्ते होता है हमारा सेशन। इसके अलावा पुणे में हमारा सेंटर है। लोगों को इस थेरेपी के बारे में कुछ आह्वान करना चाहेंगे? ये हर एक जन बच्चों ने करना जरूरी है, ये हमारा हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने आके ये सिस्टम बंद कर दिया है। पहले हमारे गुरुकुल सिस्टम थे, गुरुकुल में पहला बच्चा जाता था तो 7 साल के बाद जाता था, उसको पहले यही एक्टिवेट करते थे, उसको त्रिनेत्र भी बोलते हैं, तो त्रिनेत्र एक्टिवेट हो जाता था, बाद में उसको शिक्षा दी जाती थी, मगर अंग्रेजों ने आके हमारा सिस्टम ही पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बंद कर दिया है। इसके वजह से ये आज बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और जितना कम एज में कर लेंगे आप 10 तक के एज में कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। सर, आप ये जो म्यूजिक और साउंड इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई विशेष प्रकार का म्यूजिक है या कोई भी म्यूजिक इसमें काम आता है? ये बेसिकली हम लोग खुद फ्रिक्वेंसी बेस्ड डिज़ाइन करते हैं साउंड, यानी समझो आपका दिमाग है या ये है ब्रेन, तो ब्रेन की फ्रिक्वेंसी अलग रहेगी, आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट की फ्रिक्वेंसी अलग रहेगी, जो पार्ट के हमारा डिसीज है उसके हिसाब से उसकी फ्रिक्वेंसी आएगी। जनरली ये फ्रिक्वेंसी 20 से लेके 1000 के बीच में रहती है हर्ट्स में। इससे आपका समझो हार्ट का प्रॉब्लम है, ये तो अभी बच्चों का हमने देखा, आपको अभी हार्ट का प्रॉब्लम है, आपके ब्लॉकेज है हार्ट में वगैरह ब्लड में, तो हम लोग निकाल सकते हैं। प्रोस्टेट एनलार्ज है, 65 तक का हमने किया है, 65 ग्राम का वी हैव रिड्यूस टू 25-30 ग्राम्स विथ हेल्प ऑफ म्यूजिक इन 1 मंथ, यानी आप डिसीज बोलो हिसाब से हम लोग खुद उसको प्रिपेयर करेंगे और वो आपके पेशेंट के ऊपर चलाएंगे। अतुल गोलाइत है। अतुल जी, आपके जो दोनों बच्चे हैं, ये काम में भी डेमो देखा, तो ये सेशन करके आपको कैसा महसूस हो रहा है और ये कौन सा इनका सेशन है, थोड़ी जानकारी दीजिए। एक्चुअली मैंने व्हाट्सएप मैसेज में इनका सेशन के बारे में पढ़ा था और यहाँ से मैं जाता था, यहाँ पे रहता हूँ, तो मुझे जानकारी मिला कि यहाँ पे मिड ब्रेन सेशन होता है, तो मैंने हेमंत जी से पर्सनली आके बात किया था, तो हेमंत जी बोल रहे थे जैसे ही आपको नेक्स्ट सेशन डेट आ जाएगा तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने मेरे दोनों बच्चों का सेशन अरेंज कराया संडे को। तो उसके बाद में सेशन ऐसा होता है कि एक फर्स्ट सेशन एक घंटे एक दिन का होता है, जैसे 9 बजे यहाँ पे छोड़ना होता है, फिर लंच और फिर 4 बजे तक ये लोग कंप्लीट कर देते हैं सेशन। लेकिन सेशन के बाद जो इम्प्रूवमेंट होता है ना वो एकदम जैसा आज के दुनिया में जैसा मिरेकल जैसा है, क्योंकि क्या होता है कि ये मिड ब्रेन एक्टिविटी है, मेमोराइज करने की जो क्षमता है ना 25 गुना बढ़ जाती है। और किस
से महसूस हुआ कि आपके बच्चे में किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ, एक्चुअली अच्छा चेंज आता है, क्योंकि फर्स्ट सेशन के बाद इनका डेली ब्रीदिंग होता है 7 मिनट का, और ये आँख पे पट्टी बांध के ये लोग पढ़ लेते हैं। कितना भी छोटा वर्ड रहे, 2 पेज 3 पेज हम लोग पढ़ा लेते हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन। जैसा हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वैसे ओपनली हम लोग पढ़ते हैं, वैसा ये लोग आँख पे पट्टी बांध के पढ़ लेते हैं। तो ये इनका इम्प्रूवमेंट है, और इनका मेमोरी इतना शार्प हो गया कि दूर से ऐसा आँख देख लेते हैं, 10 फीट पे भी वो पहचान लेते हैं नोट पे नंबर, और या भी कुछ सामने जो कुछ जाता है वो इजीली पहचान लेते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे? और अगर बात करें आज के ज़माने की, तो आज ज़माना स्टार का, एक स्टार दो स्टार, तो आप कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं तो अगर ज़माने का 5 स्टार का ज़माना है, तो मैं ये सेशन के लिए मैं तो 5 स्टार दूंगा, क्योंकि मैं फुल मानता हूँ, और मैंने अनुभव किया है मेरे दोनों बच्चों का। इसके लिए मैं हेमंत जी का शुक्रगुजार हूँ। दोनों के लिए 5 5 स्टार। ओके, धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। सर, मेरा नाम समीर टांक है। समीर जी, आपके बच्चे का नाम क्या है? इनका नाम शौर्य समीर टांक है। अच्छा, यहाँ जब आप आते हैं और आप ये सेशन जो अटेंड करते हैं, इसके बाद आपको क्या महसूस हो रहा है और आपके बच्चे में किस तरह का ऊर्जा आई है? देखिए, जब से वो यहाँ पर आना शुरू हुआ है, पहली बात तो एक ही सेशन में आया था, एक सेशन के बाद मैंने इसके मेंटली बहुत इंटेलेक्चुअली डेवलपमेंट देखा। ये बच्चा कलर को रिकॉग्नाइज कर लेता है, फोल्ड आइजेस, और ब्रीदिंग करता है, तो इसकी ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट भी अच्छा होने लगा है जब से इसने ये सेशन किया है। और आज इसका सेकंड सेशन था, आज के सेकंड सेशन में ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, नोट को देख लेता है, नोट के नंबर्स रिकॉग्नाइज कर लेता है, और इसका इंटेलेक्चुअल लेवल कुल मिला के बहुत हायर रहा है ड्यूरिंग दिस सेशंस। तो मैं ये हाँ इस जी घर पे भी डेली इसकी जब इसका पहला सेशन था, उसके बाद से ये प्रैक्टिस करता रहा है घर में, एवरीडे प्रैक्टिस करता है, और नया नया हमें कुछ ना कुछ रिकॉग्नाइज करके बताता रहता है।